करना जायज नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं, तो देखें उनके मजहब में ये इजाजत है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हो, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, तो हम तो अपने मजहब को फॉलो करें। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम अगर मिठाई दिवाली में दे तो हम ले सकते हैं या नहीं, तो उनको लेना ये जायज नहीं है, ना उनको लेना चाहिए और ना ही उन्हें खाना चाहिए। अपने मजहबी एतबार से उनको हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक नहीं कह सकते हैं। गैर मुस्लिम लोग जो हैं जब पूजा करते हैं अपने बुतों का, उसके बाद मिठाई बांटते हैं, उसका खाना बिल्कुल हराम है। ये प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती। आमतौर पर हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्यौहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है दीन, और दीन पर अमल करो, आधा पीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता हो। प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दे तो जितना बच सकते हैं उनकी आम दावतों से भी बचे। तो याद रखिये, गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ, इसलिए हैप्पी वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला। अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना, क्या सेम टू यू बोलना, तो नहीं वो भी नहीं बोल सकते। आप क्या बोलना, टू यू, तेरे लिए, हैप्पी दिवाली टू यू, मेरे लिए नहीं हो कुछ भी, मैं नहीं मानता उसको, टू यू मतलब तेरे लिए हैप्पी है, मेरे लिए थोड़ी हो। गैरुल्लाह के नाम पर कुछ भी जिबा किया जाए या कुछ भी चढ़ाया जाए या कुछ भी बांटा जाए वो जायज नहीं है, लेकिन मजहबी चीजों में चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और रिलीजियस के लोग हों, गैर मजहब की चीजों में, मजहबी चीजों में शिरकत करने की इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस्लाम जब आ गया तो कोई और मजहब काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही काबिल कबूल है। इसीलिए न दिवाली न दशहरा या कोई और गैर मुस्लिमों का जो मजहबी